we have solved this question. What is the integration of dy? हाँ y plus c. हाँ सही बता रहे हो आप. dy का integration क्या होता है? y plus c होता है. बिल्कुल सही बोला है. y plus c constant भी तो आएगा, which is equal to. अब इसको integrate करोगे, तो इसको integrate करोगे तो ये constant वाला part integration sign के बाहर आ जाएगा. So tan आपका integration के बाहर आ जाएगा. You will do the integration of x dx. So x dx का integration क्या होगा? x की power यहाँ पे कितनी है? 1. So power rule लगाओगे और इसको integrate करोगे. You will get plus constant term. Yes, plus constant term इधर भी आएगा, which is some c dash, let's say. So you will get tan x square upon 2 plus c dash, which is equal to y plus c. देखो दोनों तरफ कांस्टेंट आया है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दोनों तरफ कांस्टेंट आया है. यहां पे c डैश आया है और यहां पे c आया है, क्योंकि हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है. ठीक है, अब हम जनरली क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनदर कांस्टेंट. इट विल बी अनदर कांस्टेंट. बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं. ये हमारा आंसर तो आ गया, टेन एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू y plus c minus c dash. Now this will be another constant. This term will be another constant. और इसको मैंने नाम दे दिया k. इसको मैंने नाम दे दिया k. इसलिए आप एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम एक ही तरफ कॉन्स्टेंट को एड करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्स्टेंट को एड करने से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो एक ही कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. आप ये चीज देखो कि जब हम दोनों तरफ कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक ही जगह पे कांस्टेंट मिल रहा है हमको. तो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, सपोज करो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x dx, है ना, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा x square upon 2 plus some constant k. I will write constant only one side, क्योंकि दोनों साइड लिखने का मतलब नहीं है. दोनों साइड आप कॉन्स्टेंट लिख दोगे फिर वो अल्टीमेटली तो वन कांस्टेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली फिर मैं एक ही तरफ कांस्टेंट लिख देता हूं. ये पॉइंट समझ आया? हम दो दो जगह कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते? इंटीग्रेशन में हमेशा एक ही जगह पे कांस्टेंट लिखा जाता है. समझ आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार ये डाउट पूछा था, सर यहाँ पे डीवाई को इंटीग्रेट करते तो यहाँ पे भी तो कॉन्स्टेंट आना चाहिए. यस, आना चाहिए. आप लोग राइट हो, यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंट आएगा और यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा, बट जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो दोनों कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट को माइनस करूंगा तो एक ही कांस्टेंट बचेगा ना. फाइनली कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द मेन पॉइंट. हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं. ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये टिपिकल प्रॉब्लम आती है हर स्टूडेंट को. दिस इज द टिपिकल प्रॉब्लम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ओके, चलो ये पॉइंट आप सबका क्लियर हो गया. वेरी गुड. तो अब हम इंटीग्रेशन के हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे. हाँ, दिस पॉइंट तक सबका क्लियर हो गया. वेरी गुड. चलो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ, हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली थी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स. सो कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वन अपॉन एक्स डीएक्स में. कई बच्चे क्या करते हैं, सर हम ऐसे करेंगे x की पावर माइनस वन dx, अब तो मैं पावर रूल लगा के ही रहूंगा. कई बच्चों के मन में आता है, सर मैं तो यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा, तो ये आंसर हो जाएगा x की पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट c. दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. यू कैन नॉट अप्लाई पावर रूल विद नेगेटिव साइन. हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपका पावर रूल होगा तो आप इंटीग्रेशन में वो पावर रूल नहीं लगा सकते, पर डिफरेंशिएशन में लगा सकते हो. समझ रहे हो? यू कैन नॉट अप्लाई, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट अप्लाई, यू कांट अप्लाई पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन. यू कांट अप्लाई पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन with negative powers.
but you can apply power rule of differentiation with negative powers. ठीक है, आप डिफरेंशिएशन में पावर रूल लगा सकते हो नेगेटिव पावर्स के साथ, बट इंटीग्रेशन में नहीं लगा सकते. अब इंटीग्रेशन में पावर रूल नहीं लगा सकते तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद करो मैंने आपको बताया था ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज, सबको पता होना चाहिए. अब ये बार बार मैं दूसरी तीसरी बार शायद बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका उल्टा, ln x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विल बी ln x प्लस सम कॉन्स्टेंट c, प्लस सम कॉन्स्टेंट c. सबको समझ आया? यस सर. ln x क्या होता है? ln x बेटा log e बेस x, मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन में. ln x का मतलब होता है log e बेस x. जब भी आप log में e बेस यूज करते हो तो उसको हम ln x बोलते हैं. log with the base e is known as ln x. ये मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब आपको अच्छे से बताया था. ठीक है, ओके, वेरी गुड. चलो यहां तक सबको क्लियर है. अब हम कल वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं. कल वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. कल बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे. कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब. यस, कल वाले क्वेश्चंस बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया सबसे पहले, या फिर सारे डिस्कस कर दूं? कितने लोग बोल रहे सर सारे डिस्कस करो? हाँ, फिफ्थ वाला नहीं आया. ओके, फिफ्थ वाला मैं पहले डिस्कस करूंगा. वेरी गुड. उसके अलावा सेकंड और सिक्स्थ भी नहीं आया. ओके, उसके अलावा फिफ्थ और सिक्स्थ. चलो पहले फिफ्थ और सिक्स्थ डिस्कस कर देता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाउट में है. फिफ्थ और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन. तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा. फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो इट वॉज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन. यहां पे आपको सबसे पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? sec square 2 theta. sec square 2 theta. I can write like this into d theta. This was a little bit tricky question. Now you will apply the rule of substitution. I have taught you rule of substitution. You have to apply the rule of substitution. एंड रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस 2 थीटा को कोई वेरिएबल मान लेंगे. लेट्स से 2 थीटा विल बी इक्वल टू सम वेरिएबल t. 2 थीटा विल बी इक्वल टू t. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स यू विल गेट 2d थीटा अपॉन dt व्हिच इज इक्वल टू 1. So from here you will get d theta is equal to dt upon 2. d theta will be equal to dt upon 2. यहां तक सबको समझ आया? हाँ, d theta will be equal to dt upon 2. तब हमने क्या किया, इस d theta को replace किया. In integration, we have replaced this d theta with dt upon 2, and we have replaced this sec square 2 theta. 2 theta ko humne kya mana? T mana. So I can write like here sec square t into dt upon 2. Now you can see that 1 upon 2 is constant and constant will come out of integration. So you have to integrate
sec square t dt. अब बताओ sec square t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? What is the integration of sec square theta d theta? What is the integration of sec square t dt? Tan t. Very good. Sec square का इंटीग्रेशन क्या होता है? Tan t. So you will get 1 upon 2 into tan t plus some constant c. अब यहां पे आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. कई बच्चे ना ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना भूल जाते लास्ट में, t में ही आंसर लिख के छोड़ देते. नहीं नहीं, t में आपका आंसर नहीं होगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो थीटा में ही आएगा. सो आपको थीटा के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यहां पे आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज 2 थीटा. सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा tan 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. Yes. आपको समझ आया? tan 2 theta upon 2 plus some constant term c. This will be your final answer. अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में. If you still have any doubt, then you can ask. Question number 5 सबको समझ आया या फिर से रिपीट करूं? कितनों को ऐसा लगता है सर फिर से रिपीट करो? How many of you? Yes. Okay, सबको समझ आ गया. Very good. Now question number 6. Question number 6 देखो. Question number 6 is question number 6 में क्या दिया था? Let me check. Sin 4t cos t dt. Okay. It is integration of sin 4t into cos t dt. अच्छा, अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना सब्स्टिट्यूशन में, बेस्ट कंफ्यूजन इज कि मैं किसको क्या सब्स्टिट्यूट करूं, है ना? द प्रॉब्लम इज दैट आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन. आज आपको मैं महामंत्र दे रहा हूं. द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट टू सब्स्टिट्यूट एंड हाउ टू सब्स्टिट्यूट. सर डाउट है. यस बेटा. सर इस दोनों में से पहले पता कैसे चलेगा कौन सा इंटीग्रेट करना है, साइन 4t या कॉस t? हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है और किसको इंटीग्रेट करना है. हमें ये कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो दैट कि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है? इसका मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ, सबके लिए कॉमन है, जो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे इतना पता चलता है कि साइन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे कॉस में आंसर मिलता है. साइन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे आंसर किस में मिलता है? कॉस में मिलता है, ठीक है? सो मैं ऐसे नंबर को सब्स्टिट्यूट या ऐसे यहां पे टर्म को सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसको डिफरेंशिएशन करने से मुझे बाकी बचा हुआ टर्म पूरा मिल जाए. समझ आ रही है? मैं उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसको डिफरेंशिएट करने से मुझे बाकी बचा हुआ टर्म पूरा मिल जाए. लेट से मैं साइन टी को कुछ मान लेता हूं. लेट से साइन टी को मैं मान लेता हूं यू. साइन टी को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यू. अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, व्हेन आई विल डिफरेंशिएट दिस डीयू बाय डीटी, सो आई विल गेट कॉस टी. साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस टी. सो डी यू की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहां से? कॉस टी डी टी. ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा बचा हुआ टर्म किसने कंज्यूम कर लिया? डी यू ने कंज्यूम कर लिया. तो मैं हर बार उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करूंगा कि जिससे मेरा बचा हुआ टर्म जो होगा इंटीग्रेशन में
वो मेरा कंज्यूम हो जाए पूरा, वो मेरा पूरा कंज्यूम हो जाए। अब यहां पे देखो du ने cos t dt को पूरे को कंज्यूम कर लिया, इसलिए मैंने यहां पे sin t को क्या सब्स्टिट्यूट किया, u सब्स्टिट्यूट किया। तो जैसे मैं यहां पे u पुट करूंगा आई विल गेट u की पावर 4 एंड cos t dt विल बी du, cos t dt विल बी du। नाउ आई विल सिंपली इंटीग्रेट बाय अप्लाइंग द पावर रूल। समझ आया? मैं क्या करता हूं फिर से बता रहा हूं, हम उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट दैट टर्म इन इंटीग्रेशन, सो दैट आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग द टर्म, माय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी कंज्यूम्ड। जो मेरा रिमेनिंग पार्ट बच रहा है जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है वो मेरा कंज्यूम हो जाना चाहिए आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे दिमाग लगा के करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। व्हेन यू डू प्रैक्टिस अलॉट देन यू विल गेट टू नो दैट कि जो जिस टर्म को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा उसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मेरा जो बचा हुआ टर्म है क्या वो कंज्यूम हो रहा है। अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो मेरा सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहा है देन आई नीड टू थिंक फॉर समथिंग एल्स, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा। समझ आ रही है? सब्स्टिट्यूशन मेथड आप तभी लगा पाओगे जब आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो भी कंज्यूम हो जाए सब्स्टिट्यूशन में। दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड सब्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे वो पॉइंट लिख देता हूं जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन मस्ट बी कंज्यूम्ड by the differentiation of the substituted term. So मेरा remaining part हमेशा consume होना चाहिए substituted term का, तो मेरा substitution process correct है। अगर मेरा ये process हो रहा है then I am going correct। अब आप सिंपली क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे। u की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, u की पावर 5/5 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, द वैल्यू ऑफ u इज sin t, सो योर फाइनल आंसर विल बी sin की पावर 5t sin 5t अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट c। This will be your final answer. Getting this? Yes, sir. सबको समझ आ रहा है बेटा ये पार्ट? चलो अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे करके बताओ। डू द इंटीग्रेशन ऑफ x square minus 2x plus 5 dx। सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई टर्म आ गया इंटीग्रेशन के लिए, तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा कोई टर्म अगर हमें मिल गया इंटीग्रेशन के लिए देन वॉट वी विल डू। अच्छा स्नेहा बोल रही है फिर से रिपीट करो, बेटा वो वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, वो तो मैंने इरेज कर दिया। किसको डाउट था वो वाले क्वेश्चन में? फिर से डाउट था क्या वो वाले क्वेश्चन में बताओ? अच्छा वो वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं,
हाँ इसमें क्या रिपीट करूं बताओ, व्हाट आर यू टेलिंग? अच्छा डाउट था, ओके ओके ठीक है देख लो। इधर मैं फिर से बता देता हूं एक बार, हमने क्या किया साइन टी को सब्स्टिट्यूट किया यू, साइन टी को हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया यू, ठीक है ना, साइन टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया यू सब्स्टिट्यूट किया। क्या डाउट है मेरे को बताओ तो मैं फिर वो डाउट क्लियर कर देता हूं आपका। यस व्हाट इज द डाउट इन दैट? कॉस टी कहां गया बेटा? जब हमने देखो इधर साइन टी को यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने डी यू बाई डी टी निकाला, तो डी यू बाई डी टी का वैल्यू क्या मिला हमें? कॉस टी मिला। अब डी टी को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो डी टी को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस टी डी टी, तो कॉस टी डी टी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? डी यू लिख दिया। सो पूरे कॉस टी डी टी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? डी यू से रिप्लेस कर दिया, कॉस टी डी टी की जगह पे डी यू आ गया, और साइन फोर टी की जगह पे क्या आ गया? यू की पावर फोर, क्योंकि साइन टी को हमने रख दिया यू, तो दिस टर्म विल बिकम यू की पावर फोर एंड दिस cos t dt विल बिकम डी यू। यहां से आप देखो cos t dt का वैल्यू डी यू के बराबर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे डी यू को सब्सटीट्यूट किया। मैं फिर से बता रहा हूं, ड्यूरिंग सब्सटीट्यूशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन मस्ट बी कंज्यूम, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है इंटीग्रेशन का पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंज्यूम किसने कर लिया? डी यू ने कंज्यूम कर लिया। वेरी गुड, समझ आया? यस ओके। सो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर होगी। हाँ द क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव dx. If I want to find the integration of this term, then what I will do? I will use the rule again. जैसा हम differentiation में rule use करते थे कि हम हर term को अलग से differentiate करते थे, वैसे ही हम integration में भी rule use करेंगे. We will integrate the terms differently. तो हम integration of x square dx लिखेंगे इसको, minus integration of 2x dx लिखेंगे। देखो सारे टर्म्स को आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डीएक्स। यू विल डू इंटीग्रेशन सेपरेटली फॉर ऑल द टर्म्स। सो अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा? दिस इज अगेन पावर रूल लगाओगे, दैट इज एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी x की पावर 1 है, यू विल गेट माइनस 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इज अगेन कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, सो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बताओ? अभी अभी हमने निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सो यू विल गेट 5x प्लस सम कांस्टेंट c, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। समझ आया? सबको समझ आया ये वाला पार्ट? पीपी सवानी वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन आप सब सॉल्व करोगे और सबका आंसर राइट आना चाहिए। चलो डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। सबको खुद से करना है ये वाला क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ।
यस डन सर, कल का सेकेंड सम सॉल्व करके बताओ. अच्छा सेकेंड वाला रह गया. यस वेरी गुड, सेकेंड वाला डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ. हाँ सेकेंड वाला डाउट देखो, इसके बाद कल के होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन भी डिस्कस करना है. हाँ तो इसका आंसर क्या होगा देखो, सबसे पहले x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, सो यू विल गेट x की पावर 4/4. x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2. 4 को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट 4x. एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट c. दिस विल बी योर आंसर. समझ आया? दिस विल बी योर आंसर. आंसर इन वन लाइन. अगर आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा. आंसर इन वन लाइन इफ यू गॉट इट. आपको समझाने के लिए मैं बहुत स्लो बता रहा हूं. एक बार आप अगर सीख गए तो आप फटाफट सॉल्व करोगे. हाँ चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे होमवर्क का. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा था. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगेन. द क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1+y² into 2y dy. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1+y² into 2y dy. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखो, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले हमें सोचना है किसको सब्स्टिट्यूट करें. दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ. अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किसको सिलेक्ट करें, है ना. तो हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट किया 1+y² को. ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड 1+y², वेरी गुड. 1+y² को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई भी वेरिएबल ले लो, एनी वेरिएबल यू वांट. 1+y² को मैंने ले लिया t. नाउ डिफरेंशिएट दिस टर्म. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस 2y dy by dt which is equal to d by dt of t is 1. So you will get 2y dy which is equal to dt. So देखो पूरा का पूरा आपका रिमेनिंग टर्म है वो कंज्यूम हो गया. 2y dy को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 2y dy as a dt. और 1+y² को मैंने क्या पुट किया, t पुट किया. तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ t इंटू डीटी, टी इंटू डीटी. अब देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया. अगेन यू हैव टू अप्लाई द पावर रूल. सो t की पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c प्लस सम कांस्टेंट c. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर. t का वैल्यू कितना है, 1+y² तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1+y² तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1+y² का पावर 3/2, 2/3 प्लस सम कांस्टेंट c. दिस विल बी योर आंसर. समझ आया? अगेन देखो सब्स्टिट्यूशन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही आएगा कि आपको कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपका रिमेनिंग वाला पार्ट पूरा कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है, दिस यू विल गेट बाय एक्सपीरियंस इफ यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है. जो खुद से ट्राई करेगा उसको जल्दी सीखने को मिलेगा, है ना. बिना कॉपी किए खुद से ट्राई करना तो आपका इंटीग्रेशन बहुत परफेक्ट हो जाएगा. ओके, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप मेरे को पर्सनली पूछो. हाँ, यू हैव टू आस्क टू मी. ओके, ऑनेस्टली खुद से करना आज का जो होमवर्क होगा, खुद से ट्राई करना क्योंकि आप इंटीग्रेशन सीख जाओगे बहुत अच्छे से. नाउ बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.
वैसे ही क्लास का टाइम एक्सटेंड हो चुका है ना, वी हैव एक्सटेंडेड द क्लास टाइम. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट अगेन टुमारो.